मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए बनाई है जिनके बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ाई करने जा रहे हैं और वो फ्यूचर में कनाडा जाना चाहते हैं। देखो, अक्सर क्या होता है, पहले जो स्टूडेंट गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट को डिपोर्टेशन होती है बिकॉज उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग वो पढ़ाई करने गए हैं जिस पढ़ाई का कनाडा की सरकार को ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ क्योंकि मैं 18-19 साल से कनाडा में रह रहा हूँ, मुझे वहाँ का तजर्बा है, प्लस हमारा बिजनेस भी है। देखो क्या होता है कि जो बच्चे 11वीं 12वीं होते हैं उनको एक तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गांव के लड़के लड़कियाँ हैं उनको ट्यूशन रखानी चाहिए, और ट्यूशन में कुछ नहीं सीखना, सिर्फ सीखना क्या है, ग्रामर और इंग्लिश के सेंटेंस, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक किया जा सके। दूसरा क्या होता है कि आपने कार चलानी हर लड़की और लड़के को आनी चाहिए। कारण क्या है कि कनाडा में ना तो साइकिल है, ना स्कूटर है, ना मोटरसाइकिल है, वहाँ तो कारें होती हैं। क्योंकि क्या है, बाहर सर्दी होने की वजह से आप जब भी काम करने के लिए या नौकरी करने के लिए आते जाते हो तो गवर्नमेंट की बसों की इतनी प्रबंध नहीं है जितना कि भारत में है, क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, सब अपनी अपनी कारें यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश करो कि उनको कार ड्राइविंग यहाँ से सिखा के उनको ड्राइविंग लाइसेंस लेकर साथ जाना चाहिए, बोगस नहीं, एक नंबर का लाइसेंस होना चाहिए। फिर क्या है, कोशिश करो कि इनके पास क्रेडिट कार्ड हो, और क्रेडिट कार्ड चाहे 500 रुपए का हो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है बच्चों को, और उनका इसको अटैच करो सेविंग खाते से, ताकि जितने पैसे वो यूज़ करते हैं वहाँ से ऑटोमेटिकली कट जाएँ और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब ना हो। ये इसलिए ज़रूरत होती है कि जब बच्चा बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको लोन मिलने में परेशानी आती है, यदि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री सही है तो उसको सही तरीके से लोन मिल सकता है। फिर जो लड़कियाँ कनाडा में जाकर नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं, उन्होंने जानबूझ के उसके अंदर एक अड़िक्का डाला हुआ है कि 11वीं और 12वीं के अंदर उनके पास मैथ होना चाहिए, क्योंकि भारत में यदि लड़कियां साइंस स्ट्रीम करती हैं उसके अंदर मैथ नहीं होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं और यदि वो मैथ कर लेती हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो उनको वहां पे नर्सिंग के अंदर दाखिला मिल सकता है। नर्सिंग की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है कनाडा के अंदर। इसके अलावा भी आप देखोगे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आपके बच्चे जाते हैं, यदि किसी ने नर्सिंग कर रखी है उसको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और जाने का रास्ता भी बहुत आसान है। और यदि लड़के जाते हैं जो अडल्ट होते हैं तो उनको यहाँ से हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर फिर ही जाना चाहिए। मान के सिर्फ एक ही सेंटर पंजाब में है, वो भी बठिंडा में है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, पर देखो यहाँ परेशानी झेलनी, आपको कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप फ्री में घूम रहे हो। कनाडा में तो बराबर तनख्वाह है, जितने घंटे आप सिखलाई में लगाओगे आपको टाइम ही मिलेगा, कार पार्किंग के पैसे भी लगेंगे, ट्यूशन भी हैवी होगी, तो आप यहाँ से करके चाहिए। सो मेरे को ये था कि यदि आपके बच्चे फ्यूचर में कनाडा जाना चाहते हैं, आप उनको 11वीं और 12वीं में उचित शिक्षा इंग्लिश में जल्दी पास करने की ट्रेनिंग दो, ताकि वो 11वीं 12वीं में नो लेस देन 65% मार्क उनके आने चाहिए, फिर उनको अच्छी जगह पे दाखिला मिल सकता है। और कोई जानकारी के लिए पीछे दिए गए नंबरों के प्राप्त संपर्क कर सकते हो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।